सोरेन जी, कुछ समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऔर जेल जाने के पहले अपनी पत्नी को बना दिया था, तो ऐसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने के। एक साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है। संवैधानिक संकट भी पैदा होगी और एक मजाक बन जाएगा। जो भी सिचुएशन जी को अभी पैदा हुई है, तो एक प्रकार से जिस ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी, कुछ समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऔर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी आप, चूँकि एक साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र हाईकोर्ट की निर्णय आ चुका है, वो तो एक साल से भी अधिक समय था। तो इसलिए हम महामहिम राज्यपाल से पार्टी मिलेगी और इसको निवेदन करेगी, अगर कोई इस प्रकार के प्रपोजल आता है सरकार बनाने की, तो पहले अटॉर्नी जनरल से या न्यायविद से पूरा सलाह विचार कर ले, तभी कदम को आगे बढ़ाए, नहीं तो फिर राज्य संवैधानिक संकट भी पैदा होगी और एक मजाक बन जाएगा।